नो योर एल्बम एक्सप्रेस। एल्बम एक्सप्रेस के होम स्क्रीन पर मौजूद ऑप्शन से आप एल्बम डिजाइनिंग शुरू कर सकते हैं। माय साइज यह सेक्शन में आपके द्वारा क्रिएट किए हुए एल्बम साइजेस डिस्प्ले होते हैं। अगर आप नए यूजर हैं, तो डिफॉल्ट एल्बम साइज की लिस्ट यहाँ दिखाई देती है। रेडी साइज सेक्शन में आपको प्रचलित लैब्स के द्वारा प्रिंट किए जाने वाली एल्बम साइजेस की लिस्ट मिलती है। ओपन ऑप्शन में आपके द्वारा डिजाइन किए हुए एल्बम्स आप देख सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं, तो यह विंडो आपको खाली दिखाई देगी। ब्राउज करके आप एल्बम प्रोजेक्ट के लोकेशन फोल्डर का पाथ दे सकते हैं। किसी भी एल्बम प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करके उसे एडिट कर सकते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करके आप उसे टेम्पलेट के तौर पर खोल सकते हैं। पब्लिश किए हुए ई एल्बम की जानकारी आप एक ही स्क्रीन में पा सकते हैं। आपके ईमेल और पासवर्ड के इस्तेमाल से लॉगिन करके ई एल्बम्स के लिस्ट को यहाँ पर देखा जा सकता है। अप्रूवल ऑप्शन के माध्यम से आप अपने डिजाइन किए गए एल्बम पेजेस को आपके क्लाइंट को भेजकर उनका चुनाव कर सकते हैं। एल्बम में इस्तेमाल होने वाले फोटोज को आप काफी आसानी से यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। उन्हें आप रीनेम, रीसाइज, रोटेट, किसी दूसरे फोल्डर में कॉपी करना या फिर मूव करना, यह चीजें यहाँ पर कर सकते हैं। इमेज सॉर्टिंग और सिलेक्शन ऑप्शन से फोटो मैनेजमेंट काफी आसान होता है। फोटोज को एडिट करने के लिए एडिटिंग ऑप्शन मौजूद है। अगर आपके कंप्यूटर में एडिट एक्सप्रेस और फोटोशॉप दोनों इंस्टॉल किया हुए है, तो आप इन सॉफ्टवेयर में एडिटिंग कर सकते हैं। अप्रूवल ऑप्शन से आपके छटाई किए गए इन फोटोज को अप्रूवल के लिए क्लाइंट तक भेज सकते हैं। अब आपकी एल्बम की जरूरत के अनुसार आप एल्बम साइज को यहाँ पर डिफाइन करके एक परफेक्ट मोड से परफेक्ट एल्बम डिजाइन कर सकते हैं। थीम और फोटो सिलेक्शन के बाद अपने आप कैनवास पर जनरेट हो जाता है। ब्लेंड, BCG यानी कि ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट एंड गैमा, RGB यानी कि रेड, ग्रीन एंड ब्लू वैल्यूज, ओपेसिटी और ब्लर जैसे फोटो एडिटिंग टूल्स कैनवास के राइट साइड में मौजूद है, ताकि आपके डिजाइनिंग का काम काफी आसान हो जाए। पेज पे कोई टेम्पलेट अप्लाई करके डिजाइन चेंज कर सकते हैं। कंप्यूटर से एल्बम एक्सप्रेस के टेम्पलेट्स इंपोर्ट किए जा सकते हैं। एल्बम एक्सप्रेस में टेम्पलेट्स इंपोर्ट करते समय हर टेम्पलेट पर इस्तेमाल हुए डेकोर्स भी इंपोर्ट हो जाते हैं। इंपोर्ट होने वाले डेकोर को एक अलग फोल्डर में इंपोर्ट करने के लिए फोल्डर का नाम यहाँ तय कर सकते हैं। टेम्पलेट्स इंपोर्ट होने के बाद हर डेकोर टैब में एक नए फोल्डर में ऐड हो जाते हैं। एल्बम की डिजाइनिंग खत्म होने के बाद प्रोजेक्ट को सेव और मनचाहे आउटपुट फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं।